150 की 50 पतंग, 200 की 50, 300 की 50। भाई एक पैकेट उतार देना, 50 है ना 200 की। देख सकते हैं बड़ी वाली पतंग है, 7 रुपए की एक है। और ये मंजे वंजे मिलेंगे यहाँ चाइनीज में, तो होगा नहीं भाई, बंद हो रहा है। कितने की चल करी? 300 रुपए की बता रहे हैं सारी। 300 रुपए लगेगा या मतलब 300 रुपए? हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स अबाउट वाइट सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में आपको पता क्या होने वाला है? आज मैं जाने वाला हूँ फिर से पतंग मार्केट में। आपको आज फिर से पतंग मार्केट दिखाऊंगा, चीपेस्ट पतंग मार्केट, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीपेस्ट प्राइस पर पतंग मिलती हैं। हर सारी टाइप की पतंग, मांझे, सद्दी और चरखरी, सारी सब कुछ मिलता है। तो मैंने एक और व्लॉग बनाया था पतंग मार्केट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। वन डे में 2K व्यूज क्रॉस कर रही थी वो वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा पार्ट 2 बनाता हूँ। पिछली बार मैं गया था जाफराबाद मार्केट, और इस बार हम जाएंगे लाल कुआँ, लाल किले के पास काइट मार्केट है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो ब्लॉग के साथ बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो चलते हैं फटाफट मार्केट, दिखाते हैं आपको कैसी कैसी पतंग है वहाँ पे, और मुझे भी कुछ पतंग लानी है, इसलिए मैंने सोचा पतंग भी ले आऊँगा और ब्लॉग भी बना देता हूँ। तो गाइस चलते हैं। चलिए, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया था लाल कुआं जामा मस्जिद के पास हम आए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पतंग की मार्केट है, दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट यहीं पे है। तो इस बार हम बाइक से आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है 15 अगस्त की वजह से, देख सकते हैं आप बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो इस बार हम बाइक से आए हैं, मार्केट में पहुँच चुके हैं, फटाफट आगे जाते हैं मेन मार्केट में, आपको पतंग दिखाते हैं और कुछ पतंग वतंग लेंगे हम। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर देना फटाफट, और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मार्केट जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, पतंग की दुकानें थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ फिर आगे दिखाऊंगा। और तो स्टार्ट हो चुकी है मार्केट यहीं से। कितना आने वाली? 4 रुपये। ये 4 रुपये वाली पतंग है, सारी जितनी भी रखी है यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। जैसा कि देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था भीड़ बहुत है यहाँ पे, और वैसे आज कम है, सैटरडे है ना, सैटरडे है थोड़ी कम है वरना और ज़्यादा होती है। और 15 अगस्त की वजह से जो रोड है ना बाहर की, जो मेन रोड है वहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए हम बाइक से आए इस बार। चलते हैं अभी आगे, भीड़ आप देख ही सकते हैं, देख सकते हैं पतंग की काफ़ी सारी दुकानें हैं। अभी शब्बीर भाई पतंग वाले, छोटे भाई पतंग वाले, सबके नाम देख लो यहाँ, और ये बहुत पतंग है यहाँ भी। यहाँ की मार्केट जो है दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है पतंग की। ये पैकेट देख सकते हैं आप, 50 पतंग है इसमें, 250 रुपये का पैकेट है। वो 300 रुपये का पैकेट आगे वाला। भाई अद्धा है वो, 300 रुपये का पैकेट है वो, अद्धी वाली पतंग है। कमेंट में आई थी भाई, पूछ रहे थे, कमेंट में पूछ रहे थे भाई अद्धे पोनी दिखाओ। तो आज हम तो गाइस यहाँ पे जो है आपको पतंग भी मिलेंगी और मांझा सद्दी सारी चीज़ें मिलेंगी, चरखरी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा मैं। और हम भी अपने लिए पतंग लेने आए हैं थोड़ी बहुत, पिछली बार भी ली थी हमने। अगर उस वाले व्लॉग को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, जाफराबाद पतंग मार्केट का व्लॉग बनाया था मैंने। तो बने रहिए व्लॉग के साथ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट है बहुत कम लगी है इस बार, भीड़ नहीं है, और पहले लगती थी पूरी मार्केट, वहाँ देख रहे हैं आप वहाँ पे मार्केट ही पतंग की रहती थी पूरी, इस बार कुछ भी नहीं है कोविड की वजह से, और कल 15 अगस्त है इस वजह से भीड़ कम कर रखी है, पहले के मुकाबले बहुत कम भीड़ है, पतंग भी कम है इस बार। फिर भी देखते हैं आपको थोड़ी बहुत जो दिखती है दिखाते हैं, हमें भी ख़रीदनी है पतंग। तो गाइस ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप अंदर का, जितना भी है यहाँ पहले पतंग की दुकानें रहती थी सारी पतंग की, और इस बार देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
जितनी भी दुकान देख रहे हैं आप, शटर बंद पड़े हैं। और ये दुकान है, यहाँ पहले पतंग की लगती थी 15 अगस्त के टाइम पे, इस बार लग नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। आगे चले पीछे। और यहाँ हुक्के की भी दुकान है बहुत सारी है, गेरी। आगे तो खाली पड़ा है, आगे मिलेगा नहीं है ना। छोटी पतंग कितने की? 100 रुपये का पैकेट। 100 रुपये का पैकेट है? कितनी पतंग? 20। 100 रुपये का पैकेट है, 20 पतंग निकलेंगी इसमें। 5 की होगी सर। 150 रुपये का पैकेट है ये। इससे बड़ा साइज, इससे बड़ा साइज है जो भी देखा था हमने, ये 150 का पैकेट है। इसमें भी 20 पतंग होंगी? इसमें भी 20 पतंग होंगी। ये अद्धी है, ये पौनी है। ये अद्धी है और ये पौनी है। ये 100 रुपये का पैकेट है अद्धी का, और पौनी का 150 रुपये का पैकेट है। 150 का पैकेट तिरंगा। तिरंगा ये वाला, ये 7 रुपये का। मुझे 50 रुपये बताएंगी? 7 रुपये का देख सकते हैं। हमें बड़ी वाली पतंग है, 7 रुपये की एक है। और ये मंजे वंजे मिलेंगे यहाँ। एक ही है सारा मंजा है। ये मोटा वाला ही पांडा, ये पांडा का यार। ये मोटा मांजा पांडा का होता है। कितने की चरखरी? 300 रुपये की बता रहे हैं सारी। 300 रुपये लगेगा या मतलब 300 रुपये तो आप बता देना। 300 रुपये की चरखरी है, लेंगे तो भाई से बात करेंगे, रेट कम बढ़ती हो ही जाते हैं। ये पांडा 5 रील का है, 5 रील का है, 300 रुपये की चरखरी है। ये 200 रुपये का पैकेट है, 50 पीस है इसमें। और ये वाला 150 रुपये का पैकेट है, 300 का। ये भी 150 का है, इसमें भी 50 पैकेट है। ये 150 का है, ये 200 का, दोनों में 50-50 पतंग है। बाकी वहाँ लिखा भी है, बाकी वहाँ रेट लिखे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको भी। 200 रुपये 50 पीस, 150 रुपये 50 पीस, 150 रुपये 50 पीस। और ये रहा 250 रुपये 50 पीस। और बोलो, बहुत सस्ती पतंग है फिर भी। 300 रुपये 50 पीस ये वाली, 300 रुपये 50 पीस। ये साइज़ के ऊपर है, सारी साइज़ छोटे ज़्यादा हैं इनके। देख सकते हैं आप बड़ी वाली पतंग, 30 रुपये की एक पतंग है, 30 रुपये की एक पतंग। और ये बड़ी वाली इतनी पतंग देख रहे हैं आप, 20 से 30 रुपये की हैं ये वाली बड़ी वाली। ये छोटी वाली पतंग ली हमने, 20 रुपये का पैकेट है, और इसमें 12 पतंग है। डेकोरेशन के लिए लिए हमने। अभी जिस दुकान पे मैंने आपको रेट दिखाया है, वो 400 रुपये की 50 पतंग दे रहे थे, अद्धी पतंग थी, छोटे साइज़ वाली होती हैं। तो जब आप लेने आओ तो दुकान देख के मत जाना पतंग लेने, क्योंकि दुकान जितनी अच्छी होती है पतंग वो उतनी महंगी देते हैं। पतंग वही होती है सारी एक जैसी, तो आप देख के लेना जहाँ रेट कम हो। 3-4 रुपये की पतंग मिल जाएगी यहाँ पर आपको, सब में बढ़िया रेट है। दुकान ही दुकान है बहुत सारी। 150 की 50 पतंग, 200 की 50, 300 की 50। भाई एक पैकेट उतार देना, 50 है ना 200 की। तो एक पैकेट ये उतरवा रहे हैं, और एक पैकेट अरफात भाई ने एक ये ले रखा है। ये कितने वाला लिया था हमने? ये 150 वाला है। ये 150 वाला, 50 पतंग है इसमें, 3 ये, और एक और ले रहे हैं 200 वाला पैकेट, उसमें 50 पतंग है। तो टोटल 100 पतंग हो जाएंगी, फिर मंजा लेंगे भी। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं मंजा, देख रहे हैं कोई बढ़िया सा पतंग तो ले लिए हैं। ये भी आगे पीछे, ये मांजा कौन सा है? सादा।
ये सादा मांझा है, देख सकते हैं आप। कितने रुपए की रील है? कितने की पड़ेगी? दो रुपए की है पन्नी वाली पतंग, देख सकते हैं आप। दो रुपए की है, दो रुपए की मिल जाएगी आपको पन्नी वाली पतंग। 20 पतंग निकलवाइए, अभी 10 निकलवा रहे हैं और 50 ही हो गई, 50 ही हो गई। ये 2 रुपए की है, बाकी बहुत पतंग। सो गाइस, अभी जो हमने देखा वो मांझा, उसमें 3 रील थी, 400 रुपये की दे रहे थे जरघरी, वो हमें पसंद नहीं आई, वो मांझा बढ़िया नहीं था। अरफात भाई है, उन्हें थोड़ी नॉलेज है मांझे के बारे में, इसलिए हम लेके आए ने, तो उन्होंने बताया मांझा वो बढ़िया नहीं था, तो हम दूसरी दुकान से देखते हैं, आगे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये पतंग इंसान के शेप में बना रखी है। कितने की भाई वाली पतंग? 150 का पीस है। 150 का पीस है वाली पतंग, 10 पीस निकलेंगे इसमें, 150 का पीस है, देख सकते हैं आप। अलग ही शेप है, यूनिक शेप है इसका। और बाकी हम मांझा देख रहे हैं, अभी पतंग दिखाई दी मैंने आपको पीछे। ये कितने की चर खड़ी है? 120 रुपये की। कितनी रील है इसमें? एक रील 120 रुपये की है। और ये सब्जी की कितने की? भाई इनके भी बता दो थोड़े बहुत, कितने की है? 60 रुपये, 50 रुपये। 60 रुपये की रील है, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये और ये 20 रुपये। तो सब्जी भी मिलती है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया रेट पे। और बाकी तिरंगे टी शर्ट मैंने मोटाई थी इसी तो यहाँ बहुत चर खरी, देख सकते हैं आप। मांझे ही मांझे हैं, मांझा भरा हुआ है सब। इस तरफ सारे मांझे ही मांझे हैं, दिखाता हूँ आपको। तीन सौ सत्तर रुपये की है वाली। तीन सौ लेना है, 300 रुपये। देखो जाने वाली बात कर रहा हूँ, देखो भाई मैंने 250 नहीं बोला, इसीलिए तुम्हें आप भाई। देखो मैं बताऊँ, ये है बारीक में, अच्छा इसमें है गोल धार, ये चढ़ा हुआ मान जाए, जैसे तुम चाहे थे मोटे में, ये चीज़ है और कोई फर्क नहीं है। मजबूत आई में कौन सा बेहतर है? दोनों एक सही है, दोनों में तो कोई धागा तो नहीं थे। ये वाली ले ली, ठीक है 300 रुपये की, 3 रील की चरखरी है। 300 के लिए हमने, 300 के लिए भाई बता देंगे जो अंकल दे पाएंगे। और पतंग ये रखी है हमारी। सो गाइस, हमने पतंग वगैरह सब ले लिए, मांझा भी अरफात भाई के पास है पीछे, और आशीष भाई बाइक निकाल लें यहाँ से, बाइक से आए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा इसलिए 15 अगस्त की वजह से, तो जा रहे हैं घर हम। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग पे एंड भी कर दूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मैं नई नई वीडियो लाता रहता हूँ बढ़िया बढ़िया, इसलिए बेल आइकन दबा देना। मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।